रीवा थाना परिवार अंतर्गत रामबाग चौराहे में युवक को दबंगों ने पीटा। जी हां, आपको बता दें कि मनवार थाना अंतर्गत जहां पर बताया जाता है कि बिरसा मुंडा के जयंती के स्टिकर लगा रहे युवक को दबंगों ने मारा पीटा। साथ ही साथ वहीं के अराजक तत्वों के द्वारा सरेआम चौराहे में मारपीट की गई। जी हां, और बताया जाता है कि पीड़ित दीपक कोल रामबाग चौराहा काम से गया था। गाड़ी खड़ी कर अपनी सामान खरीदने में लगा रहा, तभी उक्त गुंडों ने रॉड लाठी से हमला बोल दिया। अपनी जान बचाकर लोगों की मदद से जान बची और पीड़ित ने अपनी शिकायत थाना परिवार में SC ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। धारा 506, 294, 323, 34 एवं अन्य धारा के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया है। उक्त पीड़ित दीपक कोल एवं बिरसा मुंडा के संगठन अभिषेक कोल के द्वारा बताया जाता है कि उक्त आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, अन्यथा आगे आदिवासी ना पड़े और हमारी जान माल का खतरा ना हो। और बताया जाता है कि उक्त आरोपी सरेआम घूम रहे हैं और मोबाइल फोन के माध्यम से धमकियां दी जाती हैं। पूरा मामला क्या है, आइए सुनाते हैं आपको मनोज गुप्ता की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? ये सर में चोट लगी है और हाथ में चोट लगी है, तो ये क्या कैसा हुआ है, क्या मामला है? ये 14 तारीख शाम के 4 बजे में गया था, बनवाया वहीं मम्मी को छोड़ा, बोला मैं रामबाग से मार दुकान है, वही दुकान पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके जाता हूँ। मेरी गाड़ी में एक बिरसा मुंडा का स्टिकर लगा, 15 तारीख की रैली का था। रैली में आप शामिल थे? जी, रैली स्टिकर बस आप वैसे जानता नहीं और मैं भी किसी को पहचानता नहीं जाता, तो जैसे मतलब मैं गाड़ी खड़ी थी वैसे सामान लेते हुए पीछे से दो लोग आए, सीधे पकड़ के मारने लगे, कुछ पूछे भी नहीं। मैं उनसे पूछ भी रहा था भाई मेरा क्या मतलब, मुझे क्यों मार रहे हो, क्या गलती है, मुझे पहचानते हो कि नहीं। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, केवल गाली दे रहे थे कि तू कौन नेता बनता है, ये है वो है। क्या आप पहचानते हैं उन लोगों को? मैं मार रहे थे नहीं पहचान, सीधे मुझ पर हमला कर दिया एकदम, मतलब जानलेवा हत्या एकदम। तो क्या कुछ है औजार, क्या कुछ लिए थे कि ऐसे हाथ से? पहले तो लोग हाथ से ही मारे, तो मैं कुछ देर तक मारे जब मैं पकड़ रहा था तो 3 और दौड़ कर आए, कुछ रॉड सरिया लेकर आए और पाइप लोहे की और लकड़ी का डंडा उंडा लेकर आए, तीनों लोग जब मिलकर मारने लगे तब मैं अपना मतलब बचाव करते करते मेरे हाथ में लगा, हाथ में लगी और दोनों हाथों में लगी, यहाँ डंडे से मारे सर में एक डंडा लगा, ऐसे करके फिर वहाँ खड़े लोग देख रहे थे, कोई बोल भी नहीं रहा था। राम, ये घटना कहाँ की है? ये घटना रामबाग चौक की। फिर आपने कहाँ गया? फिर मैं वो लोग एकदम जानलेवा हमला पूरी तरह कर दिए, मैं भागा, भाग कर चौखंडी रोड में दिल्ली भैया गौरव, उनको मैं पहचानता था, वो भी रैली में थे, संगठन के हैं, वो अपने दुकान के सामने बाइक में बैठे थे। मैं दौड़ कर गया उधर, बोला भैया देखिए मुझे मतलब मार रहे हैं, फालतू में क्या मेरी क्या गलती है। वो मुझे बचाने के लिए दौड़े, मतलब पहले खाली हाथ दौड़े, उनको भी एक लाठी मारी, फिर मैं दुकान के अंदर घुस गया। वो एकदम उस वीडियो में दो लोग आए थे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, फिर मतलब भैया लोग बता रहे थे कि ये कुछ चंपागढ़ के हैं जो यही इनका ये करते हैं और ये इनका यहीं पे वो रोज कर ये बोल रहे हैं। तो आपने कहा FIR कहीं दर्ज करवाया? कमार थाने में मतलब तुरंत फिर FIR दर्ज कराई। आपका थाना कहाँ लगता है? हमारे थाना। आपका गांव कहाँ है? हाँ, फिर आपने FIR दर्ज करवाया? मेडिकल के लिए वहाँ डभौरा भेजा, तो मेडिकल हुआ, एक्सरे लिखा, एक्सरे के लिए सिरमौर में
गया था, परसों गया थे तो वहाँ बंद थे, डॉक्टर छुट्टी में था, फिर कल गया था सिरमौर, एक्सरे हुआ, क्या हो रहा है उसमें, क्या प्रोसेस है। परमार थाना के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? परमार थाने के द्वारा अभी तक तो मुझे कोई भी मतलब कोई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये भी नहीं, मैं मतलब जाता भी नहीं हूँ ज़्यादा, मेरी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि मतलब इंसाफ चाहते हैं कि मुझे किस लिए मारे, मतलब मैं अपनी रैली निकालूँ, मैं किसी पूछे करी तो मुझे क्यों क्या दिक्कत है। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप लगाए थे उसमें प्रतिमा गाड़ी में, बिरसा मुंडा की, बस उतने कारण था। मैं मतलब बाद में कुछ वो लोगों ने बताया कि अध्यक्ष ये सर वो अजीत सिंह कहाँ के हैं, ये नाम तो ऐसे एकदम पता नहीं, लेकिन चंपागढ़ साइड बता रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई अभी हुई कि नहीं? कार्रवाई तो अभी उनसे नहीं लगा, तो बुलाया जाता है, बोले हैं मतलब वहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये इनका काम है, खुले आम यही आए दिन करते रहते हैं, जो मुसीबत धमकी भी देते हैं मारने की, वायरल हुआ क्या हुआ सर? बहुत गाली गलौज दे रहे थे, बहुत आशा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी तो उनको भी मतलब कॉल करके यही धमकी दे जा रहे थे कि तुमने ये कराया कराई मतलब तेरे खानदान। क्या नाम है आपका? अजय कुमार कौल। क्या घटना आपके साथ हुई है? मतलब सर एक लड़के को मार रहे थे, और किसी को नहीं आया था, उसका नाम दीपक कौल है, ग्राम दर और उसके बचाव के लिए मैं अंदर आ गया था, तो लड़के उसके पेट मारने के लिए दौड़ाए थे, तो अंदर आके घुस गया, तो उसके बाद मेरे भाई उसको बचाने के लिए सामने खड़े हो, फिर घटना के बाद वो भाग गए और लड़के की काफ़ी चोट भी आ गई है, और लड़के उसको बचाने की वजह से वो मेरे पास भी कॉल किए, उसको क्यों बचाए वो, और फिर धमकी दे रहे थे फ़ोन में। कौन धमकी दे रहे थे? अजीत सिंह अभेश चंपागढ़ और अभिषेक सिंह अभेश चंपागढ़, तो मोबाइल में कॉल करके धमकी दे रहे थे कि तुम एस सी एस टी एक्ट लगवा दिए थे, तो उसको वापस ये गोली मार देंगे, पूरा खानदान खत्म कर देंगे, परिवार को मार देंगे। और फिर आप किस संगठन में जुड़े हुए हैं? आदिवासी जनाधिकार मोर्चा। फिर आगे? और अभी 15 नवंबर को चामुंडा जयंती मनाए थे, तो वही स्टीकर लड़के जो प्रचार कर रहे थे ऊपर से मुझे आदेश आया था कि जो लड़के इसलिए प्रचार कर रहे हैं वो सब अपना पहचान के लिए स्टीकर लगा रहे हैं, चामुंडा की फ़ोटो की स्टीकर लगी थी, तो उसी स्टीकर को लेकर वो लड़का आया था चौराहे तरफ, तो वही जातिवाद की वजह से प्रयोग करके उसको मारी, और वो फिर यहाँ आया, इसी कारण वो फिर फ़ोन में लगा के धमकी दे रहे थे कि बिरसा के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा के और बाबा साहेब के बारे में अतिवृत्ति गाली दे रहे थे, इन सबको नाम लेके गाली दे रहे, नाम लेके गाली दे रहे हमारे पास की गाड़ी में कॉल की। फिर आप लोगों ने क्या FIR दर्ज करवाई? FIR दर्ज करवाए हैं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई नहीं किया गया है, बस कॉपी दे दीजिए। कितने दिन हो गया FIR? FIR 3 दिन हो गए। और ज्ञापन वापन कुछ दिए क्या? कल दिया था, तो उसके भी उससे कोई वो नहीं हुआ है, और अगर हमारी जान माल या तो हमारे परिवार को कोई नुकसान होता है जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से मदद? प्रशासन से मदद चाहते हैं, हमारे
उनका परिवार की रक्षा की जाए और इस तरह दोषी नहीं तो जान से मार देंगे तुमको भी और उसको भी, तुम्हारे परिवार पूरा खानदान खत्म कर देंगे। रिकॉर्डिंग हमारे पास है, अभी भी उनके द्वारा धमकाया जा रहा है, आज भी धमकाए हैं। तो आपने ये FIR किया तो वहाँ क्या आश्वासन दिया गया थाने में? कौन सा थाना लगता है आपको? थाना पनवार लगता है। और उनके द्वारा बोला गया था गिरफ्तारी होगी पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं, आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। आप FIR किस तारीख को किए थे? FIR 16 नवंबर शाम, जो हमारे महापुरुषों को गाली दे रहे थे। किनका किनका नाम लेके गाली दे रहे थे? दे रहे थे भगवान बिरसा मुंडा को, उनको बहुत अपशब्द बोल रहे थे, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। और किसको? वही बस। फिर उसके बाद और सब गाली दे रहे थे। हम बोले कि बोल रहे थे तुम चंद्रशेखर रावण बनेगा, उसको गोली से मार देंगे। बस हो गया। उसके बाद अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। कार्रवाई अभी नहीं हुई थाने अभी तक नहीं है।